Hi friends, in this video we are going to learn the data in DBMS. आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग DBMS में हमारा जो टॉपिक है डेटा, डेटा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, इंफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेटा, डेटा इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी और एन ऑब्जेक्ट। डेटा क्या है? डेटा जो है एक वास्तविक दुनिया का कोई एंटिटी या कह सकते हैं इकाई है या कोई वस्तु, जो हमारा वास्तविक दुनिया है, रियल वर्ल्ड है, उसमें कोई भी एंटिटी या ऑब्जेक्ट डेटा हो सकता है। डेटा इज डिस्टिंक्ट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स दैट नीड्स टू बी प्रोसेस। डेटा जो है क्या है? किसी भी इंफॉर्मेशन का एक टुकड़ा है, यानी एक अलग टुकड़ा है जो कि उसको आवश्यकता होता है प्रोसेस करने का, यानी उसे प्रोसेस होने का आवश्यकता होता है। जो डेटा है वो अलग टुकड़ा है, क्या है? अलग टुकड़ा है और उसको आवश्यकता है प्रोसेस होने का, ठीक है। एक फैक्ट है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वही जो प्रोसेस होगा उसका कुछ मीनिंग होगा। इट कैन बी इन एनी फॉर्म लाइक टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, मेजरमेंट्स एंड बाइट्स। डेटा जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो आपका टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, नंबर के फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकता है, कोई भी मेजरमेंट जो है मापन, और आपका बाइट्स उसके फॉर्म में हो सकता है। तो डेटा जो है रियल वर्ल्ड एंटिटी है या ऑब्जेक्ट है, और डेटा जो है टुकड़ा है किसी इंफॉर्मेशन का, इसको आवश्यकता है प्रोसेस्ड होने का, और ये जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, मेजरमेंट एंड बाइट्स। एग्जांपल के लिए है हमारे पास जो कुछ डेटा है, जैसे अंकित एक वर्ड है हमारे पास, क्या है? अंकित, तो डेटा जो है एक वास्तविक दुनिया का इकाई या वस्तु है। डेटा जो है किसी भी जानकारी या तथ्य का एक अलग टुकड़ा है जिसे प्रोसेस्ड यानी संसाधित होने की आवश्यकता होती है। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, पिक्चर में भी हो सकता है, मेजरमेंट भी हो सकता है और बाइट्स भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अंकित दिल्ली ये और 1280, ये सब क्या है हमारे लिए? डेटा। ये सब क्या है हमारे लिए? डेटा, ठीक है। आई होप डेटा क्या है क्लियर होगा आप लोगों को। -5 ये भी हमारे लिए डेटा। अब यही डेटा जो है क्या है हमारे लिए? फैक्ट है। और ये फैक्ट किसके लिए? किसी भी इंफॉर्मेशन का एक फैक्ट है। डेटा या किसी भी इंफॉर्मेशन का फैक्ट है, तथ्य है, इससे इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं जब ये प्रोसेस्ड हो जाए। तो व्हाट इज डेटा, आई होप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या होता है। व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन? व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरप्रेटेड इन गिवन कॉन्टेक्स्ट सो एज टू मेक देम यूजफुल एंड मीनिंगफुल, दे आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और जब डेटा क्या होता है? प्रोसेस्ड होता है यानी संसाधित होता है, ऑर्गेनाइज होता है यानी व्यवस्थित होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, इंटरप्रेटेड होता है किसी भी संदर्भ में। अगर डेटा प्रोसेस्ड हुआ, ऑर्गेनाइज्ड हुआ, स्ट्रक्चर्ड हुआ, तो उससे क्या होगा? वो एक यूजफुल या मीनिंगफुल, उसका मतलब होगा, कुछ उपयोग होगा, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहेंगे। डेटा जो हमारा एक रियल वर्ल्ड एंटिटी या ऑब्जेक्ट जो प्रोसेस होता है, तो वही क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, ये सारा अगर एक डेटा हो जाता है, इससे उसका मीनिंग पता चले, उसका कोई मतलब हो, जिसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के लिए नेम अंकित, सिटी दिल्ली, सिटी क्या है? दिल्ली। क्लास क्या है? 12। मार्क्स क्या है? 80। तो ये हमारे लिए क्या है? इंफॉर्मेशन। ये क्या है? इंफॉर्मेशन। अंकित जो है दिल्ली का रहने वाला है, इसका सिटी जो है दिल्ली है, 12th क्लास का स्टूडेंट है और मार्क्स उसको 80% आया, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है, किसी एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है। लेकिन अभी हम ये जो हम लोगों ने डेटा में देखा कि दिल्ली 1280, ये हमारे लिए क्या था? फैक्ट था। क्या था? फैक्ट था। और यही प्रोसेस्ड हो गया, अंकित नाम हो गया, किसी स्टूडेंट का नाम, सिटी उसका दिल्ली है, क्लास 12 है और मार्क्स 80।
ये उसके लिए क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। डेटा एंड इंफॉर्मेशन में बस इतना ही है, पर मैं रिकैप कर देता हूँ। डेटा जो है रियल वर्ल्ड एंटिटी या ऑब्जेक्ट है वास्तविक दुनिया से, ये जो है किसी भी जानकारी का एक तत्व फैक्ट है जिसको संसाधित होने की आवश्यकता होती है। ये जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, मेजरमेंट एंड बाइट्स। एग्जाम्पल के लिए अंकित, कॉमा दिल्ली, कॉमा 1280, ये सब हमारे लिए अलग अलग डेटा, अलग अलग डेटा है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो है जब डाटा प्रोसेस्ड हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, स्ट्रक्चर एंड इंटरप्रेटेड हो जाता है किसी संदर्भ में, किसी कॉन्टेक्स्ट में, जिससे कि इसका कोई एक मीनिंगफुल, यूजफुल जो है ये डाटा मीनिंगफुल हो जाए, यूज उसका हो जाए, तो उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा ये डेटा है अंकित दिल्ली 1280, यही प्रोसेस्ड होगा या अरेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा, किसी भी स्टूडेंट का नेम अंकित है, सिटी उसका दिल्ली है, क्लास 12th का स्टूडेंट है और मार्क्स उसका 80। ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन हुआ और ये हमारे लिए डेटा। आई होप सभी को क्लियर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।